यू ऑल लवली पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। मोमिस्तान पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मोमिस्तान पे हमने ब्रेस्ट फीडिंग सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम डिफरेंट वीडियोस के जरिए जो ब्रेस्ट फीडिंग के कॉमन टॉपिक्स होते हैं, कॉमन सवाल होते हैं, खासतौर पे जो फर्स्ट टाइम ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं या जो बेबी प्लान कर रहे हैं, या इवन अगर फर्स्ट टाइम आपने कराया था उसमें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो बहुत सारे सवाल होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड। उन डिफरेंट टॉपिक्स को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस हमारे ब्रेस्ट फीडिंग सीरीज के मिस कर दिए हैं, देन नॉट टू वरी, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो आप चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया है, जो कि है लैचिंग। लैचिंग यानी कि बच्चा किस तरीके से पकड़ बनाता है ब्रेस्ट पर, वो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है ब्रेस्ट फीडिंग का। अगर आपकी बहुत ज्यादा पेनफुल ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसेस है, यानी कि बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है जब आप ब्रेस्ट फीड कराती हैं, या आपके निपल्स पे कट हो गया है, जख्म हो गया है, खून आता है, ये एक साइन हो सकता है खराब लैच का, यानी कि बच्चा अच्छे से दूध नहीं पकड़ रहा है। दूसरा साइन होता है कि बच्चा अच्छे से पेट नहीं भर पा रहा है, यानी कि बच्चा दूध अच्छी तरीके से खींच नहीं पा रहा है, वो ले नहीं पा रहा है। आपको लगेगा कि बच्चा देर तक सक कर रहा है, लेकिन बच्चा का एक्चुअली पेट नहीं भर रहा है। वो कैसे पहचाने? अगर उसका सुसू जो है, सुसू काउंट जो है, यानी नंबर ऑफ पी एक दिन में जो करता है, वो बहुत ही कम है। नॉर्मली एक न्यूबॉर्न बेबी जो है, पहले दिन एक बार सुसू करता है, दूसरे दिन दो बार सुसू करता है, इसी तरीके से उसका पी काउंट जो है 7 दिन होते होते 6 से 7 बार कम से कम होना चाहिए हर एक दिन, मतलब एक हफ्ते के बाद से। और अगर इससे कम है, मतलब अगर आप डाइपर पहना रहे तब नहीं बात कर रही हूँ मैं, अगर आप नापीस पहना रहे तब कम से कम 6 से 7 कम से कम होना चाहिए 24 घंटे के अंदर, या उससे ज्यादा होना चाहिए उसका पी काउंट। और अगर डाइपर पहना रहे तो 4, 5, 6 डाइपर जो है आप 24 घंटे में चेंज कर रहे हैं। तो ये अगर आप कर रहे हैं, इसका मतलब बेबी को फीड अच्छे से मिल पा रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, पी काउंट बहुत कम है, तो फिर ये एक साइन हो सकता है कि बेबी अच्छे से दूध नहीं पी पा रहा, वो वेल हाइड्रेटेड नहीं है, उसको न्यूट्रिशन जो चाहिए वो मिल ही नहीं पा रहा है, और वो वजह हो सकती है एक खराब लैच, यानी अच्छे से बच्चा पकड़ नहीं पा रहा है, लैच नहीं बना पा रहा है माँ के ब्रेस्ट पर। एक और साइन होता है, बच्चा अच्छे से दूध अगर पी पा रहा है, उसका वेट गेन होना चाहिए, यानी कि हर हफ्ते उसका थोड़ा थोड़ा जो है वजन बढ़ना चाहिए। शुरू का जो हफ्ता होता है, पहला हफ्ता, उसमें कुछ परसेंट जो है बर्थ वेट से बच्चा लूज करता है, लेकिन वो वापस से जो है आने वाले हफ्तों में वो गेनिंग पोजिशन में हो जाना चाहिए, वो कवर अप कर लेता है, एंड उसके बाद हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा गेन होता है। कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है कि एक आइडियल वेट इतना ही होना चाहिए हर बच्चे का, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। कुछ बच्चे लीन एंड थिन लेकिन वो एक्टिव एंड हेल्दी होते हैं, कुछ बच्चों का वजन ज्यादा होता है उनके जेनेटिक फैक्टर्स रीजंस की वजह से, बिकॉज उनके माँ बाप शायद उनका बॉडी टाइप वैसा है। तो वेट कितना होना चाहिए वो मैटर नहीं करता, वेट बढ़ना चाहिए ये मैटर करता, वेट कम नहीं होना चाहिए। और वेट स्टैग्नेंट यानी बढ़ ही नहीं रहा है, जिसका मतलब कि बेबी को अच्छे से शायद फीड नहीं मिल पा रहा है, वो दूध अच्छे से ले नहीं पा रहा है जितना उसको रिक्वायरमेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट साइन आपको याद रखना है कि अगर आपको तकलीफ होती है ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, आपके निपल्स में कट वगैरह हो गया है, तो वो एक साइन है कि डेफिनेटली आपका लैच जो है वो अच्छा नहीं है। तो खराब लैच तो हमने समझ लिया कि अच्छा लैच नहीं है वो कैसे पहचाने, लेकिन अच्छा लैच है वो कैसे पहचान सकते हो, उसके क्या साइंस हैं? तो अच्छा लैच, जब बच्चा अच्छे से पकड़ता है, तो आपका निप्पल एज वेल एज एरोला, यानी कि निप्पल के आसपास का जो डार्क एरिया होता है, वो ज्यादा से ज्यादा उसके मुंह के अंदर होना चाहिए। यानी कि सिर्फ निप्पल पर अगर वो सक कर रहा है तो आपका लैच नहीं अच्छा है, उसके पेट नहीं भर रहा है। निप्पल एज वेल एज मच ऑफ एरोला, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा एरोला उसके मुंह के अंदर होना चाहिए, ताकि वो डीप लैच करे, यानी कि अंदर तक अपने हलक तक वो निप्पल को खींच लेता है, और उसकी वजह से आपके निप्पल्स सोर और कट बिल्कुल भी नहीं होंगे। और बिल्कुल जब अच्छा लैच होगा तो ये एक कंफर्टेबल प्रक्रिया होती है, आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराने में तकलीफ नहीं होती है। एक हल्का खिंचाव जरूर महसूस होगा, लेकिन दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। अगर तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब लैच खराब है। बच्चा जब फीड ले लेगा, वो अपने आप ब्रेस्ट छोड़ देगा एक ब्रेस्ट फीडिंग सेशन के बाद, और वो रिलैक्स्ड आपको लगेगा, बच्चे के फिस्ट ओपन रहेंगे, मतलब हाथ खुला होगा, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको ऐसा महसूस होगा कि वो जो है उसका पेट अच्छे से भर गया है। वो फिर हो सकता है कि वो सो जाए, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के बाद यूजुअली बच्चे सो जाते हैं। अगर बच्चा बहुत ज्यादा क्रैंकी हो रहा, फसी हो रहा, दूध बार बार पीने की कोशिश कर रहा है लेकिन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है,
तो हो सकता है कि उसको लैच करने में दिक्कत आ रही है, ये भी एक साइन हो सकता है जो आपको पहचानने की जरूरत है। तो अब मैं आपको डायग्राम से समझाने वाली हूँ कि कैसे एक अच्छा लैच अचीव करना है, एक अच्छा लैच कैसा होना चाहिए और एक खराब लैच कैसा होता है, उसको कैसे पहचान आप कर सकते हैं। तो मैं दोनों को डिफ्रेंशिएट डायग्राम के थ्रू करने की कोशिश यहाँ पर की है। बहुत अच्छी ड्राइंग मेरी नहीं है, मैं जब ये ड्राइंग कर रही थी तो मेरे पास इरेजर नहीं था, तो थोड़ा फ्री हैंड से मैंने ड्राइंग की है, तो बहुत परफेक्ट नहीं है। लेकिन मेरा इंटेंशन ये है कि आपको जो मैं समझाना चाह रही हूँ, जो मेन पॉइंट्स है, की पॉइंट्स, वो समझ में आए इस डायग्राम के जरिए, जो आई होप आपको समझ में आएंगे। तो चलिए हमारा डायग्राम देखते हैं और समझते हैं इस लैचिंग की प्रोसेस को। तो ये पहला डायग्राम है जिसमें एक अच्छा अटैचमेंट जो है, यानी कि अच्छा लैच आपको देखने को मिल रहा है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अच्छे लैच के लिए, यानी कि बच्चा अच्छे से पकड़ रहा है, मुंह में ले रहा है, दूध को खींच पा रहा है, उसको जानने के लिए आपके लिए ज़रूरी है, वो है कि जो माँ का निप्पल है एज़ वेल एज़ उसका एरोला, यानी कि निप्पल के आसपास का जो एरिया है, वो बेबी के ज़्यादा से ज़्यादा मुँह के अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि बेबी जो है वो केवल निप्पल को सक कर रहा है। यहाँ पर दो पिक्चर्स हैं, एक में अटैचमेंट यानी कि लैच अच्छा दिखाया गया है इस पिक्चर में, और एक में ख़राब लैच, अच्छे से बच्चा सक नहीं कर रहा है, वो दिखाया गया है। तो ये जो सही लैच है, करेक्ट लैच, उसमें आप देख सकते हैं कि बच्चा जो है निप्पल एज़ वेल एज़ मच ऑफ एरोला उसने अपने मुँह में लिया हुआ है। और उसी तरह इस पिक्चर में आप देखेंगे कि बच्चा जो है वो निप्पल को सक कर रहा है, वो उसने एरोला जो है ठीक से मुंह में नहीं लिया है, सिर्फ निप्पल के ऊपर वो सक कर रहा है। एक वो भी रीज़न होता है, जब बच्चा निप्पल को ही सिर्फ सक कर रहा होता है, उसकी वजह से निप्पल बेबी के जॉज पे रब होने की वजह से, वो जब सक करता है उस पर दबाव की वजह से वो बहुत हर्ट होते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है, और इसकी वजह से निप्पल्स में कट वगैरह हो जाता है। लेकिन जब अच्छा लैच होता है तो निप्पल जो है वो बच्चा अंदर तक, यानी कि अपनी हलक तक ड्रॉ कर पाता है, जिसकी वजह से निप्पल जो है वो फ्री होता है, मतलब निप्पल में कोई ऐसा दबाव नहीं होता है मसूड़ी वगैरह से, क्योंकि वो एकदम अंदर हो जाता है निप्पल, एंड उसकी वजह से तकलीफ़ दर्द नहीं होती निप्पल में, कोई जख्म वगैरह नहीं होते हैं। लेकिन इस वाले लैच में जो कि ख़राब लैच है, उसमें पॉसिबिलिटी है कि आपको पेन महसूस होगा, बिकॉज बच्चा एरोला मुंह में नहीं लिया, उसने सिर्फ निप्पल लिया हुआ है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे का चिन जो है वो माँ के ब्रेस्ट पे सटा हुआ है, आप देख सकते हैं, और बच्चे की नाक जो है वो ब्रेस्ट से दूर है, आप देख सकते हैं, तो ये भी एक साइन है इम्पॉर्टेंट। तीसरी चीज़ कि बच्चे का लिप्स जो है वो फ्लैंग्ड है, यानी बाहर की ओर है, फिश की तरह जैसे बोलते हैं पाउटेड लिप्स है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चे का चिन जो है वो सटा नहीं हुआ है माँ के ब्रेस्ट से, क्योंकि बच्चा सिर्फ बाहर में निप्पल को ही सक कर रहा है, वो उसने एरोला को ज़्यादा से ज़्यादा मुँह में लिया ही नहीं है, अटैचमेंट अच्छा नहीं है, तो चिन में थोड़ा सा गैप है, एंड लिप्स भी मतलब उस तरीके से फ्लैंग्ड नहीं है जैसा कि इस वाले पिक्चर में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कैसे आप अच्छा लैच अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दूसरा डायग्राम आपको शो कर रही हूँ जिसमें तीन स्टेप्स बताए गए हैं जिससे कि एक अच्छा लैच अचीव करने में, मतलब आप क्या ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। तो इस इमेज वन जो है, मैं थोड़ा क्लोजली आपको दिखा रही हूँ, उसमें माँ ने अपने ब्रेस्ट को एक हाथ से होल्ड करके रखा और दूसरे हाथ से उसने बेबी के हेड नेक को सपोर्ट दे रखा है, और वो एम बना रही है निप्पल को बेबी के नोज़ के सामने, उसने रखा हुआ है, पोजीशन इस तरीके से किया हुआ है, बेबी का चेहरा उसके निप्पल की तरफ है और नोज़ के अलाइनमेंट में इसका माँ का निप्पल है, और माँ को वेट करना है कि बेबी अपना मुंह बड़ा सा खोले, तभी ब्रेस्ट को अटैच करवाना है। अगर बेबी मुंह बड़ा सा नहीं खोलेगा तो आपको निप्पल अपना ब्रेस्ट ऑफर नहीं करना है, वरना अटैचमेंट अच्छा नहीं होगा, बच्चा सिर्फ निप्पल पे ही फिर सक करेगा, अच्छे से लैच नहीं हो पाएगा। तो जब तक बेबी अच्छा बड़ा सा मुंह, जैसे मुंह फाड़ के अच्छे से, जैसे बड़ा सा यौन यानी जमाई ले रहा हो, उस तरीके से नहीं खुले, तब तक आपको इंतज़ार करना है।
आप एक टेक्निक अपना सकते हैं बेबी को हेल्प करने के लिए, एक बड़ा सा मुंह खोलने के लिए। वो ये है कि जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि बेबी अपने निप्पल से बेबी की या तो नाक में आप टच करिए, या बेबी का जो अपर लिप है या लोअर लिप, मेरे केस में लोअर लिप टच करने से मेरी डॉटर जो है वो मुंह बड़ा सा खोलती थी, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि आप नाक को निप्पल से टच करेंगे तो बच्चा बड़ा सा मुंह खोलेगा, नहीं तो फिर आप अपर लिप को भी टच कर सकते हैं, या फिर आप नाक से लेके लिप्स तक सहलाते हुए यानी ब्रश करिए अपने निप्पल को, तो उससे जो है बच्चा बड़ा सा मुंह खोलेगा। और जैसे ही बड़ा सा वो मुंह खोलेगा, सेकेंड इमेज में हम आ जाते हैं, जैसे ही बच्चे ने बड़ा सा मुंह खोला है यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो क्विकली आपको अपने बेबी को ब्रेस्ट पर अटैच कर देना है ताकि जो है अच्छा लैच हो जाए। तो समझ गए आप लोग कि यहाँ पर सबसे पहले आपको बेबी को वाइड माउथ ओपन करने का वेट करना है। वाइड माउथ ओपन करने के लिए आपको बेबी को नाक पे अपने निम्पल को टच करना है, अपर लिप पे भी टच कर सकते हैं, या फिर नाक से लेकर बेबी के अपर लिप तक ब्रश कर सकते हैं अपने निम्पल को, मतलब सहलाते हुए बेबी का मुंह खुलवाएं बड़ा सा। बेबी जैसे ही बड़ा सा मुंह खोलेगा सेकेंड इमेज में जैसे दिखाया है, आपको तुरंत बेबी को अपने ब्रेस्ट पर अटैच कर देना है, बेबी को तुरंत से अपने ब्रेस्ट पे लगा देना, लैच कर लेगा अच्छे से। थर्ड इमेज में आप देख सकते हैं कि बेबी ने लैच कर लिया है, और यहाँ पर जैसा कि मैंने पिछले गुड लैच वाले इमेज में दिखाया था, इसके लिप्स फ्लैंग्ड हैं और ये निप्पल एज मच ऑफ एरोला इसके मुँह के अंदर है, और ये एकदम प्रॉपर करेक्ट लैच हुआ है यहाँ पर। अगर करेक्ट लैच नहीं कर पाया बच्चा, यानी कि उसने निप्पल एज वेल एज अरोला मुंह में नहीं ले पाया है, सिर्फ निप्पल पे ही सक कर रहा है, तो फिर आपको इस अटैचमेंट को ब्रेक करना होगा। अगर ये इमेज जो है इस तरीके से बच्चे ने लैच किया, गलत तरीके से लैच कर दिया है इस इमेज में जैसे दिखा रहा है, तो आपको ये वाला अटैचमेंट जो है वो ब्रेक करना होगा, आपको फिर से लैच करवाना होगा। थोड़ा सा मुश्किल होता है कभी कभी इस तरह का अटैचमेंट को ब्रेक करवाना, बिकॉज बेबी का मुंह छुड़ाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो उसका तरीका यह है कि आप अपनी जो ये वाली उंगली, लास्ट वाली स्मॉल फिंगर, उसको जो है बेबी के माउथ के साइड में से ले जाकर आप बेबी का अटैचमेंट निप्पल को बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करें, उसका मसूड़ा खुलवा के, और उस तरीके से जो है आप अटैचमेंट को ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर से दोबारा से अटैच करवाने की कोशिश करें, फिर से मुंह खुलवाएं बड़ा सा, और मुंह जैसे ही बच्चा खोले तब आप दोबारा से अटैच करने की कोशिश करें। एक करेक्ट लैच के लिए आपको ये भी चीज़ समझनी है कि कोई सी भी तरीके से आप बैठ कर या लेट कर उसको पिला रहे हैं दूध अपने बच्चे को, पोजीशन कैसे भी हो, ये इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को आपको अपनी बॉडी की तरफ करना है, टर्न करना है, उसके बाद आप अटैचमेंट करवाइए। ये नहीं होना चाहिए कि बेबी को आपने गोद में सीधा रखा है एंड सिर्फ आपने उसका फेस अपनी तरफ टर्न कर लिया है। अगर ऐसा आपने किया है तो ऑब्वियसली बच्चे के गर्दन पर जोर पड़ेगा एंड वो अच्छे से अटैच नहीं कर पाएगी, या वो ज़्यादा देर तक प्रॉपरली नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अनकंफर्टेबल होगा, बच्चे को पेन वगैरह हो सकता है। या फिर दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी कि आपको झुक के नहीं पिलाना, मतलब बेबी को आपने टर्न ही अपनी तरफ टर्न नहीं किया और आप जो है दूध पिलाने लगे झुककर, वो भी आपको नहीं करना। उससे एक तो आपको प्रॉब्लम होगी, बैक पेन हो सकता है आपको, एक्जर्शन हो जाएगा, बहुत कंफर्टेबल नहीं होगी ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोसेस, क्योंकि फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है आपके लिए बहुत तकलीफदेह प्रक्रिया हो जाएगी ब्रेस्ट फीडिंग। दूसरी चीज़ की आपको अगर सिजेरियन वगैरह हुआ है तो आपके इंसिजन एरिया पर भी जोर पड़ सकता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि बच्चे को माँ ने अपनी तरफ टर्न कर लिया है पूरे तरीके से, तभी वो लैच करवाया है उसने। सही तरीका है, मतलब कि चाहे आप लेट कर पिला रहे हो या बैठ कर पिला रहे हो या कोई सा भी होल्ड आपने किया हो, बच्चे को की पूरी बॉडी को अपनी तरफ टर्न करके ही आपको पिलाने, यानी कि बच्चे का टमी आप देख लीजिए, लेग जो है वो पूरा माँ की बॉडी की तरफ टर्न हुआ हुआ है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है।
तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा हो। जो पेरेंट्स आपके जाने वाले आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में न्यू पेरेंट्स हैं खासतौर पे, या वुड बी पेरेंट हैं, या जो ब्रेस्ट फीडिंग कराने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको हेल्प मिले। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जल्द से कर दीजिए और हमारे चैनल मोमिस्तान को इस तरह के और भी वीडियोज देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।